हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के प्रोफेशनल डैशबोर्ड को यहाँ से हटा देना चाहते हैं, परमानेंट के लिए रिमूव करना चाहते हैं, तो फिर आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल डैशबोर्ड को कैसे हटा सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए फिर दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम में उस अकाउंट को ओपन कर लेना है जिसका दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से प्रोफेशनल बोर्ड हटाना चाहते हैं। तो दोस्तों सिंपली उसके बाद आपको करना क्या है कि जो आपको ऊपर की तरफ जो थ्री लाइंस दिखाई दे रही हैं, सिंपली दोस्तों आपको इनके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इनके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहां से आपको करना क्या है कि यहां पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना है। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है क्रिएटर टूल्स एंड कंटेंट का, तो सिंपली दोस्तों आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों अब यहां से आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना है और दोस्तों यहां पर आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है स्विच अकाउंट टाइप्स करके, तो सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों अब यहां पर आपको आइकन दिखाई दे रहा है स्विच योर बिजनेस अकाउंट, स्विच योर प्रोफेशनल अकाउंट। तो दोस्तों आपका जो भी अकाउंट आपने क्रिएट किया था उस टाइम यहां पर आपका प्रोफेशनल था या फिर बिजनेस था, तो सिंपली उसी प्रकार से यहां पर आपको करना क्या है कि उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों मैं स्विच यहां पर प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं स्विच योर प्रोफेशनल अकाउंट कुछ इस प्रकार से हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो दोस्तों मेरा यहां से प्रोफेशनल डैशबोर्ड बहुत ही इजी तरीके से यहां पर हट जाएगा। यहां पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं दोस्तों हमारे यहां से प्रोफेशनल डैशबोर्ड हट चुका है। यहां अगर मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यहां पर रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहां पर कहीं भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है। अब दोस्तों इस डैशबोर्ड को हटाने के बाद आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कितने लोगों ने आपकी इंस्टाग्राम रील्स को यहां पर लाइक किया, लेकिन दोस्तों अगर ये डैशबोर्ड था तब हमें पता चल जाता है कि किस टाइम पर हमें अपने इंस्टाग्राम रील्स को अपलोड करना चाहिए, कौन सा सॉन्ग यहां पर ट्रेंड कर रहा है, कितने मेन यहां पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कितने वुमेन हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों सारा कुछ एनालिटिक्स हमें यहां पर पता चल जाता था कि दोस्तों कितने लोगों के पास हमारे इंस्टाग्राम रील्स का इंप्रेशन जा रहा था, लेकिन दोस्तों ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड हटाने के बाद हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। आशा करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो भी ट्रिक बताई अगर आप उसे फॉलो करोगे तो 100% दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से प्रोफेशनल डैशबोर्ड को बहुत ही इजी तरीके से रिमूव कर दोगे। वीडियो अच्छी लगी तो सिंपली इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।